क्या भारत जैसे मुल्क में नागरिकता का कोई धर्म हो सकता है? किसी धर्म की शर्त हो सकती है नागरिकता मिलने से पहले? जब इस देश ने अपने संविधान को इतने वर्षों पहले अपनाया था, तो क्या उसके खिलाफ जाता हुआ नागरिकता संशोधन बिल उस देश के ताने बाने को तोड़ रहा है, या फिर उसकी आड़ में कुछ लोग डर, भय और साजिश का खेल रच रहे हैं? ये सवाल है जिसका सामना करना इस वक्त देश को ज़रूरी है, और इसीलिए तालियों के बीच मंच पर मैं स्वागत करना चाहती हूँ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का, और लोकसभा सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का। इन दोनों शख्सियतों को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इन मुद्दों पर हमने दोनों को ही बहुत प्रखर तरीके से बात करते हुए हमेशा देखा है, सुना है। तर्क और दलील के साथ अपनी बात रखते हैं, और इसीलिए एक ऐसी बहस की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं जिसके साथ हमने आज इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी, कि हर मुद्दे पर बहस ज़रूरी है। और इसीलिए मंत्री जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। आप देश की संसद में तो इस नागरिकता संशोधन एक्ट को पास कराने में सफल हुए, लेकिन आज हिंदुस्तान की सड़कों पर आपकी सरकार इतनी असफल क्यों दिखाई दे रही है? क्यों जामिया से हिंसा की खबरें आ रही हैं जामिया कॉलेज के बाहर से? क्यों नॉर्थ ईस्ट में मामला कई दिनों तक लगभग हाथ से बेकाबू रहा? सड़कों पर आप असफल क्यों दिखाई दे रहे हैं? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि अफवाहों से अमन को अगवा नहीं किया जा सकता, अफवाहों के माध्यम से अमन को हाईजैक नहीं किया जा सकता। नागरिकता एक्ट या नागरिकता जो कानून है, वो नागरिकता कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए है, और उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है जिन तीन देशों में लगातार अल्पसंख्यक समाज के साथ जुल्म हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज उनको एक मानवीय संवेदना की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, और जो अमानवीय अन्याय और अपमान झेल रहे थे उन्हें मानवीय सम्मान देने के लिए ये कानून है। इसको लेकर के जो मैंने शुरू में कहा कि अफवाहों का एक बाज़ार गर्म किया गया, दुष्प्रचार फैलाया गया कि साहब इससे जो है वो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुसलमानों की नागरिकता खतरे में आ गई है, उसके पीछे मकसद भी हो सकती है, मंशा भी हो सकती है जिन लोगों ने किया, लेकिन आप 2014 से लेकर के और आज तक 2019 ख़त्म होने जा रहा है, आज तक आप एक भी ऐसा मोदी जी का काम बताइए जिसमें कि मोदी जी के काम को किसी ने, विपक्ष ने और कांग्रेस ने और असदुद्दीन साहब की पार्टी ने सराहा हो। जब मोदी जी ने उज्ज्वला की बात करी, गरीबों को दिया, उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं हुआ, तो भी उस पर सवाल खड़े किए गए। जब जो है वो मुद्रा लोन के माध्यम से जब जो कमज़ोर तबका था, गरीब तबका था, पिछड़ा तबका था, उसको जो है रोज़गार के लिए मदद की गई, उसमें 37% से ज़्यादा हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज था, तब भी उस पर सवाल खड़े किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत जब 70 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो कार्ड बनाए गए, उसमें भी जो है वो सवाल खड़े किए गए। 22 करोड़ किसानों को का अगर सॉयल हेल्थ कार्ड बनता है तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए। 8 करोड़ जो किसान सम्मान निधि है, आपको इसलिए क्योंकि आपने ये उसको धर्म से जोड़ा है, जो 8 करोड़ किसान सम्मान निधि है उसमें 31% अल्पसंख्यक समाज के किसान हैं। हमने गिनती नहीं गिनाई कभी, हमने कभी गिनती नहीं गिनाई। सब पर पानी फेर देते हैं जब आप कहते हैं मानवीयता के सम्मान के लिए हम ये शर्त रखते हैं कि तुम मुस्लिम ना हो। देखिए, यही आपकी शर्त है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक है क्या? क्या अमित शाह साहब ने ये कहा कि मुस्लिम या किसी शब्द का नाम लिया, उन्होंने अल्पसंख्यक कहा? और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक वो समाज है जो बहुसंख्यक नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में आप कहें कि हिंदू अल्पसंख्यक कर दो तो नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे,
इस शर्त इस दलील पर उनके आपका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि ये तीन मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं, आपको उनकी चिंता इतनी क्यों है कि उसकी वजह से कहा जा रहा है आप देश में भय के फरिश्ते इस वक्त बन गए? देश में तो मैं देश जो मुझे बनाया गया है शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का भी। रहा सवाल, आपने उनसे सवाल किया, ये चले गए आधार, जन जन धन, क्या क्या। सवाल ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, आप कानून बना सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। दूसरी बात यह है कि इक्वालिटी और मज़हब का जहां पर तसादुम होगा वहां पर इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो जामिया मिलिया में कल हुआ सर, वो अच्छा हुआ? आप तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उसका तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है। क्या पुलिस ने अंदर घुसकर लाइब्रेरी में टियर गैस फेंका, टॉयलेट में बच्चियों को मारा, बच्चियों के हॉस्टल में मारा? यकीनन मैं वायलेंस को कंडेम करता हूँ, मगर आप एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और आपकी तरफ से एक बयान भी नहीं आता सर। मुझे मुकम्मल करने दीजिए सर। चौथी बात मैं आप इनसे पूछ लीजिए, जो आसाम में 540,000 जो बंगाली हिंदू हैं, क्या इनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा इस सीएबी से? और जो 500,000 मुसलमान जिनको आसाम के नरसे में छोड़ा गया, सेक्शन 6 इस एक्ट में कहता है कि उनके खिलाफ जो केसेस चलेंगे वो अबेट हो जाएंगे। और केस किस पर चलेगा? नॉन मुस्लिम्स पर, मुस्लिम्स पर चलेगा केस। जो हिंदू बंगाली है उन पर तो आप सिटीजनशिप दे देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। मज़हब की बुनियाद पर आप कानून बनाकर मोहम्मद अली जिना की रूह को खुशी पहुंचा रहे हैं। मुझे आप यकीनन जो हिंदू सिख ईसाई जो आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, भारत यूनाइटेड नेशन की नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल को मानता है। रेफ्यूजी और सिटीजनशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आप मज़हब की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का, 25 का और 14 का। कौन कह रहा है आपको? उनको दीजिए ना, लॉन्ग टर्म वीज़ा दीजिए। अच्छा एक बात उनसे और एक पूछ लीजिए, एक आखिरी बात, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्या कहा था आईबी ने? और मेरे सवाल पर सरकार कहती है कि हमारे मुल्क में 1,26,000 फॉरनर्स हैं, आपकी सरकार ने 6 साल में कितनों को डिपोर्ट किया? 6 को, सिर्फ 6 को डिपोर्ट किया आपने। मजहब की बुनियाद पर तो आप कानून बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको एनआरसी से जोड़ रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस पर FIR रजिस्टर करेंगी, लड़कियों के हॉस्टल तक वो पहुंचे, क्या कहेगी आपकी सरकार? देखिए, हम सब जो है वो छात्र आंदोलन से निकले हैं, हमने आंदोलन भी किए हैं, धरने भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, और तमाम सवालों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच भी गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी बीच गए हैं। जामिया मिल्लिया में या और जगहों पर मैंने एक शुरू में बात कही कि अफवाहों से अमन को कहीं ना कहीं हाईजेक करने की कोशिश है, और अभी असदुद्दीन साहब ने जितनी बातें कही, ये होगा, ये होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, जो जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह साहब कह रहे हैं हम ये करेंगे और कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये होगा, यानी इसको कहते हैं अफवाहों से अमन को हाईजेक करने की कोशिश। अफवाह तो ये नहीं की कोशिश, अफवाह तो ये नहीं है कि बच्चों के हॉस्टल में मारा गया, अफवाह तो नहीं है। हम बिल्कुल टॉयलेट में बच्चों को मारा गया, बच्चे की आंख फोड़ी गई, लाइब्रेरी में टियर गैस, ये तो अफवाह नहीं है। किसी भी तरह से हिंसा हुई है, हिंसा का इस समाज में, देश में कोई स्थान नहीं है, यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस पीट रही है, वीडियोस हैं। देखिए, कोई लाठी कैसे छात्रों पर बेवजह चला सकता है? उसमें जांच हो रही है, और जांच हो रही है, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी। जिसको पकड़ना है पकड़िए, जेल में डालिए, आप लाठी कैसे मार सकते हैं, खून कैसे बहा सकते हैं? देखिए, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों का एक सिक्के का पहलू है, लेकिन सहमति और असहमति के बीच में हिंसा नहीं हो सकती किसी भी तरफ से, ना तो प्रशासनिक हिंसा के हम पक्ष में है और ना ही जो है वो माव हिंसा के हम पक्ष में है। आज हमारे देश में जब हम बात कर रहे हैं, आज UN की एक रिपोर्ट आई है,
यूएन की रिपोर्ट में उसने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात को बताया, आज हम यहाँ पर खड़े होकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं और मजबूती से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पानी पी पी करके मोदी जी को गाली दे सकते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान में कोई क्या किसी अल्पसंख्यक मुझे क्या इतनी हिम्मत है क्या इतनी हिम्मत है क्या कि वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ के निजाम को बोल सके? ये है क्या करना है, मुझे क्या करना है? आपके स्पोक्सपर्सन को पाकिस्तान हमारे देश में कितना हमको क्या करना रखा गया सर? बच्चों को मारा गया सही है गलत है बताइए ना सीखने की जरूरत सर? जो बच्चों को मारा गया, माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, सही है गलत है वो बताइए। मैं कहता हूँ जिधर से भी हिंसा हुई है बिल्कुल गलत है, चाहे वो पुलिस की हिंसा रही हो और चाहे किसी और की हिंसा हो, और हिंसा को बढ़ाना देना दुष्प्रचार के माध्यम से उसको जो है वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करना, अब कुछ लोगों की तो आदत है कि करने में कुछ नहीं धरने में सब कुछ, तो उनका करना कुछ नहीं है धरना करो। लेकिन आप भी इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हो और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपने कुछ ही देर पहले अब से 15 घंटे पहले नजमा अख्तर इज अ डिसग्रेस क्विजलिंग ऑफ द वर्स्ट काइंड आपने ये रीट्वीट किया साहब। मेरा सवाल अख्तर नजमा अख्तर के बारे में आपने कहा कि वो डिसग्रेस है, बिल्कुल मैडम आप भी जामिया के पढ़ी हुई है मास कम्युनिकेशन के, आपने वाइस चांसलर को बगैर पूछे पुलिस घुस सकती है? वो आज FIR रजिस्टर करा रही है, लेकिन आप भी बेवजह सवाल खड़े करके, वाइस चांसलर कुछ नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि वाइस चांसलर को इंद्रिश कुमार के आशीर्वाद से बनाया गया है, वाइस चांसलर की को पूरा मालूम था, उसके बाद पुलिस इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करके आप क्या उसको हकीकत है ये? क्या ये सबसे बड़ा डिसग्रेस नहीं है डेमोक्रेसी में? अरे बच्चियों को मारा गया लीला लगाकर, वो FIR करा रही है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है? FIR होगा और जब लॉयर का पुलिस का झगड़ा होगा पुलिस धरना देगी कि हम सोशल मीडिया पर आप क्रांति करें, संसद में बोलें, और जब लड़ाई की वक्त आए तो बच्चों को आगे कर दिया जाए? कौन करे बच्चों को आगे? कोई भी नहीं करे बच्चों को आगे। जितनी क्रांतियां हैं ट्विटर पे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो उनको सड़क पर अकेला छोड़ देते हैं। मैं रोड पे भी करता हूँ, टीवी पे भी करता हूँ, पार्लियामेंट हर जगह करता हूँ मैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चों को मारा जा रहा है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया में हमारे बच्चों को, जो ये कल जो मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे, उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, एक बच्चे की आंख फोड़ दी गई, टॉयलेट में घुस के मारते हैं आप लोग, ये इनकी पुलिस है। और जब लॉयर से झगड़ा होता है तो पुलिस चूड़ियां पहन लेती है और पुलिस धरना देती है बेबसी के आलम में। चूड़ियां वैसे कमजोरी की निशानी नहीं है। नहीं मैडम, मैं माफी चाहता हूँ, चलिए ये चूड़ियां नहीं पहनते वो लोग, क्या करते भरतनाट्यम करते बताइए ना, इतना बुरी तरह से वाकया होता है और वाइस चांसलर के बगैर इजाजत के पुलिस घुसती है, किसको बेवकूफ बना नहीं, रहे नहीं, मैं इसमें आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर ने इसकी इजाजत दी कि पुलिस घुसे और आपको ड्रामा कर रही है? वाइस चांसलर को हर बात मालूम है, उनको कोई मॉरल राइट नहीं है उस पद पर रहने का, उनको छोड़ना चाहिए, अगर उनमें जरा सी भी मोरालिटी बाकी है उनको छोड़ के जाना चाहिए जामिया मिल्लिया को। देखिए मैं एक वो भी RSS की कठपुतली है, इंद्रिश कुमार आशीर्वाद दिया उनको, चार्ज लेकर जाकर इंद्रिश कुमार के पैर पड़ती है, आशीर्वाद लेती है, तस्वीर है अखबार में देख लीजिए, क्या बताते हैं वो? छोड़ दीजिए चलिए वो गलत है, मगर एज अ वाइस चांसलर उनको तो सामने ठहरना चाहिए था ना, रीडिंग लाइब्रेरी में टियर गैस, बच्चों के हॉस्टल में घुस के मारते हैं, और माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, अल्फाज से खेल रहे हैं यहाँ पर ठहर कर। एक जवाब इस पे ले लें फिर NRC के मुद्दे पर जाएंगे। सर ये तो आप कोई वैल्यू असेसमेंट, कोई सिचुएशन असेसमेंट आप लोग करते हैं ऐसा कोई कदम उठाने से पहले कि आपको एहसास नहीं था नॉर्थ ईस्ट में ये सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ भी हो सकता है, मामला बेकाबू हो सकता है, बाद में आप जांच बिठा देंगे? देखिए मैं पहली बात ये कि जो भी मैंने बार बार कहा है, जो भी वहाँ पर हिंसा हुई किसी भी स्तर पर हुई हो वो निंदनीय है, उसकी हम बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में मजम्मत करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है, जैसे हिंदुस्तान के आज़ादी में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कैंपस में बगैर वाइस चांसलर की परमिशन के पहुंच गई, कितनी बार पुलिस जो है वो वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर कैंपस में जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, हैदराबाद हो। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्या मतलब पुलिस को जाना चाहिए? आपने इतना सर आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कहा, आप भी तो नहीं, मैं मजम्मत कर रहा हूं, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं, उसे ओवैसी साहब उसकी हम स्ट्रांगली मजम्मत कर रहे हैं, हर तरह के हिंसा की मजम्मत हो रही है, लेकिन दुनिया में ये अजूबा नहीं हो गया है कि पहली बार पुलिस जो है, पुलिस का निजाम और पुलिस के कैरेक्टर आप जानते हैं,
पहला ऐसा नहीं है कि कैंपस में, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप बताइए ये तो आप, अगर आप बहुत बड़े आदमी, अगर आप नहीं जानते तो नहीं जानता हूं मैं सर। जो लोग भी सियासत में रहे हैं वो पुलिस की लाठियां भी उनको लगी हैं, पुलिस ने उन्हें पिटाई भी की है और जेल भी भेजा है। आप अगर नहीं गए तो आप खुशकिस्मत हैं। बच्चों को लाठी पढ़नी चाहिए, नहीं, उनके बुरखे खींचे जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको मारा जाना चाहिए, हॉस्टल में घुसना चाहिए, नहीं, ना बच्चों को, एक मिनट, ना तो छात्रों को ये परमिशन है, ये उनको जो है किसी ने कहा है कि आप बसों में आग लगाओ, उनको किसी ने नहीं कहा है कि आप जो है वो हिंसा करो, और ना ही पुलिस को किसी ने कहा है कि आप वहां पर जो है घुस करके बेगुनाह बच्चों को जो है वो आप मारिए। दोनों चीजों का, दोनों हिंसा का हम विरोध कर रहे हैं। नकवी साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके कपड़ों से मालूम होता है, अब आप बताइए आपके कपड़े अच्छे हैं, मेरे कपड़े खराब हैं क्या? मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, मैंने एक बात बहुत साफ कही, दुष्प्रचार के माध्यम से वास्तविक इशू को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए इसके तो आप माहिर हैं, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट नहीं, हल क्या है, जो कहा वो सच कहा, वहाँ पे आप, ये नॉर्थ ईस्ट को रिलेटेड था, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है ये, तो जो कहा उन्होंने आपने सुना, सुनने के बाद उसका आप गोला भाग करते रहिए। आज जो है वो जो नेशनल सिटीजनशिप एक्ट है, उस एक्ट को लेकर के जो दुष्प्रचार हुआ है, मैं उस पर कह रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए कि किस मुसलमान को ये डर है कि जो है उसको नागरिकता चली जाएगी? क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक भी मुसलमान ने एप्लीकेशन दी कि हम पाकिस्तान की नागरिकता चाहते हैं? लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं ने दी है ये एप्लीकेशन, इसलिए वहाँ के अल्पसंख्यकों और यहाँ के अल्पसंख्यकों में फर्क है। ठीक है, वापस आते हुए भय के फरिश्ते वाले सवाल पर, आप डर फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं वो इससे अफेक्ट होंगे और इसीलिए बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में भारतीय नागरिकता वाले हैं उनके आर्टिकल 14 को ये कैसे अफेक्ट करेगा, और जो हिंदुस्तान का नागरिक है ही नहीं उस मुस्लिम के लिए फिर उस आर्टिकल 14 का क्या मतलब है? 540,000 जो बंगाली हिंदू आसाम में हैं, डिपोर्ट करेंगे, चलिए करिए, मुसलमान भी 5 लाख कर दीजिए, बंगाली हिंदू को और बंगाली मुसलमान को डिपोर्ट कर दीजिए। आपकी परेशानी इस बात नहीं, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरी परेशानी क्या है। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि CAA के कानून के बाद जो 540,000 बंगाली हिंदू उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये एक्ट कहता है सेक्शन 6, उनके ऊपर केस खत्म हो जाएगा फॉरेंस ट्रिब्यूनल पे। किस पे केस चलेगा? मुसलमान पे चलेगा। इस CAA जो हिंदुस्तान के है ही नहीं, कि कौन तो हिंदू है, बंगाली हिंदू हिंदुस्तान के है, हिंदुस्तान के नहीं है उन पर चलेगा मैडम, और शरणार्थी में फर्क करना होगा। आसाम के NRC में 540,000 बंगाली हिंदू हैं और 5 लाख करीब बंगाली मुसलमान हैं। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि सिर्फ उन 540,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी CAB से और बंगाली मुसलमान को नहीं मिलेगी, ये वायलेशन नहीं आर्टिकल 14 का। केस किस पर चलेगा? मुसलमान पर चलेगा फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल ने। दूसरी बात, आपको इस एक्ट को NRC से देखना जरूरी है। अगर अंजना ओम कश्यप का नाम और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम NRC में नहीं आया तो अंजना ओम कश्यप को दरवाजा मिलता है CAB का और मुख्तार अब्बास नकवी को दरवाजा मिलता है डिटेंशन कैंप का, डिपोर्टेशन का। यही तो फर्क है। ये CAB बनाकर NRC जब होगी और NRC में अगर दो लोगों का नाम नहीं, मिसाल दे रहा हूं, आपका तो नाम आ जाएगा इंशाल्लाह, मगर अगर नाम नहीं आया तो फिर नकवी साहब तो परेशान हो जाएंगे। नकवी साहब को दिखाना पड़ेगा कि उनके दादा जान का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। यही तो कर रही है सरकार। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इसको जमीन बनाकर आप भारत में सभी मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं? क्या डरा रहे हैं? आप डरा रहे हैं कि आपकी नागरिकता पर ये सरकार आपके खिलाफ है? मैडम, आधार में 8% फॉल्ट था। अगर NRC में 8% लोगों के नाम नहीं आएंगे कहां रखेंगे आप? इस एक्ट को NRC से देखना बहुत जरूरी है आपको। अमित शाह ने कहा ना कि हम पहले CAB लाएंगे, उसको लॉ बनाएंगे, फिर NRC लाएंगे। मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, क्या आसाम के NRC के 540,000 बंगाली हिंदू को आप सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। अगर देंगे तो क्या CAB से नहीं देंगे? देखिए, NRC में जो भी हिंदू छूटे होंगे उनको आप सिटीजनशिप, नागरिकता दे देंगे, और वहीं पर जो मुस्लिम होंगे उनको नहीं देंगे। कोई परिवार, पति पत्नी अलग घर में, क्या कीजिए? NRC 2014 में जब मोदी जी आए तब ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। NRC 1951, 1975 और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो प्रक्रिया चल रही है।
एनआरसी की प्रोसेस है 1, 2, 3, 4, 5 अभी पहले पायदान पर एनआरसी का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद जो है वो ट्रिब्यूनल भी है, उसके बाद कोर्ट्स भी हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। मैं आपको ओवैसी साहब सर बंगाली हिंदू के बारे में बता दीजिए ना। अंजना जी मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसकी पुश्तें हिंदुस्तान में रही हैं, वो उसकी नागरिकता पर ना कोई कभी सवाल खड़ा हुआ है और ना सवाल खड़ा होगा, ये हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। कोई गैर जिम्मेदारी से क्या कहता है हम उसकी बात नहीं करते। एनआरसी में तो कई वैलिड नाम भी छूट गए ना, उन गलतियों को तो आपकी सरकार ने भी सुना। आखिर हो गया क्या? आखिर हो गया क्या? आखिर कोई रजिस्टर बन गया क्या? 51 से जो चल रहा है प्रोसेस, उस 51 से चल रहे प्रोसेस को अभी तक 19 तक पूरा नहीं कर पाया, किया जा पाया है। तो अभी ये अफवाहें, मैं एक चीज मैं बता रहा हूं, आप सरकार हैं जी, अगर बंगाली हिंदुओं को आप नागरिकता दे देंगे ऐसी गलतियों के बाद, अगर कोई ऐसी गलती की वजह से बंगाली मुस्लिम छूट गया तो उसका क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ना, अभी कहां एनआरसी का प्रोसेस पूरा हो गया? देखिए क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब या और उनकी जैसे पार्टियों के लोग क्या बड़ी चालाकी करते हैं, वो कहते हैं जी एनआरसी को और सिटीजनशिप एक्ट को एक साथ जोड़ो पहले। अब ये तो पूरा पूरे जो है वो एक सपने में दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सपनों नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक बात आपको हम जब बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो नागरिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, खासतौर से मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ जिसको ये लोग बहका रहे हैं, कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिनकी की पुश्तें हिंदुस्तान में रही हैं, उनकी नागरिकता पर किसी तरह का कोई भी ना खतरा है और ना सवाल है, चाहिए जितना बहकाए इनकी बात पे आने की जरूरत नहीं। ये बार बार मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आसाम में एनआरसी हो चुकी है, कंट्री में आसाम के एनआरसी में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया, आप डर रहे क्यों है बोलिए ना। अच्छा आप बताइए, और 5 लाख मुसलमान उनका, मुख्तार साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं, आपने जो एक्ट बनाया है सीएबी, उसके जरिए से आपका मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि उन 5,40,000 बंगाली हिंदूज को सिटीजनशिप मिल जाएगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगी, उनका केस फॉरनर्स टेबल में चलता रहेगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बताइए आप बैरिस्टर हैं? नहीं सर मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, आप सत्ता में हैं, आप बता दीजिए सवाल का जवाब। मैं मोटा मोटा सवाल कर रहा हूं, मैं आप एक छोटा सा सवाल में पूछ रहा हूं, क्या एनआरसी का प्रोसेस खत्म हो गया? सर आसाम में खत्म हो चुका है। नहीं नहीं कहां खत्म हुआ? आसाम में सुप्रीम, आप ही आसाम में खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी अभी ट्रिब्यूनल है, अभी कोर्ट है, ये तो सारी चीजें प्रोसेस है अभी। माफ करना सर, आप बिल्कुल अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब बिल्ली दूध पीती है तो समझती दुनिया नहीं देख रही है। मैं आपको पूछ रहा सर, एक्ट सेक्शन 6 क्या कहता है इस एक्ट का, कि जिस पर केस चल रहा है अबेट हो जाएगा, और जब अबेट होगा तो पूरे बंगाली हिंदू जो आसाम में केस खत्म हो जाएगा, उनकी सिटीजनशिप देंगे आप पूरे कंट्री में, बाद में जब एनआरसी होगा उसमें। मैं तो मिसाल दे रहा हूं ना, अगर आपका नाम नहीं आया और किसी और का नाम नहीं आया तो आप तो फंस जाएंगे, आप तो सीए भी नहीं दिखा पाएंगे ना। नहीं, हमें सब हमारे अपने बाप दादा परदादा के सबके, आपको आपको भी है मुझे भी नहीं, है। नहीं, इसलिए जो है नहीं, नहीं, वो डरने क्यों? मैडम यहां पर देखिए, मैडम मैडम ये जो है ना, ये अपर कास्ट मुसलमानों के पास शिजरा होता है जिनका इनके ताल्लुक है, और जो अपर कास्ट मुसलमान नहीं हो तो उसका, उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मुझे आप डिपोर्टेशन कर देंगे, डिटेंशन में डाल देंगे। देखिए मुझे क्या बताइए आप, यही तो हम कह रहे हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी के साथ सीएबी लाया, अब पूरे देश में एनआरसी करेंगे, एनआरसी में मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास मुसलमान के पास नहीं होगा और नॉन मुस्लिम के पास नहीं, नॉन मुस्लिम कहा जाएगा बेटा सीएबी ले ले तू, और हम क्या करेंगे हमारे डालेंगे डिटेंशन सेंटर में, यही तो करने वाले हैं, यही तो खौफ है और ये सही साबित होगा। इसका 10 मिनट से मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब नहीं दे पाते। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। क्या जवाब? बंगाली बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे आप? एनआरसी का प्रोसेस खत्म हो गया आसाम में, खत्म हो गया है। कहां खत्म हो गया? खत्म हो गया, सब सब हो गया सुप्रीम। अरे आप सेक्शन आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इतने देखिए हम लगता है कि पब्लिक मीटिंग में आप लोग अफवाहें फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, ये होगा
ये होगा, तुम बचोगे नहीं, तुमको समुंदर में फेंक दिया जाएगा, ये सब तो चल जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें झूठ है और आप करने वाले हैं, यही डिस्क्रिमिनेशन है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है और न रहेगा, और इसीलिए मैंने एक सवाल आपसे कहा, क्या आपने कभी या हम आए एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसने पाकिस्तान की नागरिकता के लिए प्रमाण प्रार्थना पत्र दिया हो, आवेदन दिया हो? पाकिस्तान में अगर हिंदू दे रहा है आवेदन, तो यानी वहाँ की माइनॉरिटी और यहाँ की माइनॉरिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान जो है माइनॉरिटीज के लिए जन्नत है और पाकिस्तान जहन्नम है, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सर आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं है, आप भारत के माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इसरार करता रहूंगा कि आसाम में एनआरसी पूरा हो चुका है, इसलिए फाइनल एनआरसी की लिस्ट वहां पर आई है और उसके मुताबिक 540,000 बंगाली हिंदू को आप सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे, ये बता दीजिए। और या अगर देंगे तो फिर मुसलमान बंगाली मुसलमान क्यों नहीं देंगे? जो जेन्युइन सिटीजन होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आप हिंदू मुसलमान छोड़ के इस चक्रव्यूह में मत देश को बताइए। कानून बनाते हैं मजहब के नाम पर, आप कानून बनाते हैं। आपकी सरकार ने ये एस्टैब्लिश कर लिया, आप मानते हैं कि ये इलीगल अवैध घुसपैठिया है, आप वाकई इतने लोगों को डिपोर्ट करेंगे? क्या है आपकी सरकार की रणनीति, क्या किया जाएगा? देखिए एक बात, आप ही कहते हैं अफवाहें मत फैलाइए, तो आप ही बताइए क्या करेंगे आप? एक बात आप बताइए, कोई भी देश अपने देश में अवैध घुसपैठियों के जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज कर सकता है क्या? कोई भी देश, ठीक है, हम कदम क्या हम आप छोड़िए हिंदुस्तान की बात छोड़िए, आप कोई भी देश अपने देश में अवैध घुसपैठियों के जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा सवाल, इस देश को हम कहते हैं मानवता का समुद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि ये मानवता का समुद्र है। अब इस मानवता के समुद्र से मानवता की अलख जगनी चाहिए कि नहीं जगनी चाहिए? अगर पड़ोस में हमारे अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, तो अगर हमने उनको जो है वो यहाँ पर मानवीय आधार पर उनके सम्मान की रक्षा की है, तो इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें आपने यही परेशानी है कि इन तीन मुल्कों से हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, जिनके खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उनकी तरफ भारत हाथ बढ़ा रहा है? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप एयर इंडिया की जो डाइंग इंडस्ट्री है उससे 10-15 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान उतार के पूरे हिंदुओं को ला लीजिए, पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं को ला लीजिए। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, करिए ना, जिस तरह इसराइल ने फलाशा जूस के साथ किया था इथियोपिया, करिए ना। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप मजहब के नाम पर इस तरह का कानून बनाकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को उनकी सोच, उनकी हिकमत, उनकी नॉलेज बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद से बढ़कर है, सरदार पटेल से बढ़कर है? जो वो काम उन्होंने नहीं किया वो आप काम करने जा रहे हैं आप? मुझे हरगिज इस बात की तकलीफ नहीं है जो यहां पर है। अच्छा एक इनसे पूछिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आईबी ने क्या कहा था, कितने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया? 24,000 सिर्फ। और पार्लियामेंट नंबर बताइए, चलिए कितने पाकिस्तान के हिंदू हैं, कितने बौद्ध हैं? अरे भाई आप कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं? आप तो मजहब के नाम पर इस मुल्क को चला रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि एक माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं और वो यहाँ के माइनॉरिटीज की बात ही नहीं कर रहे। इस कानून से माइनॉरिटीज से क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होगा, यहाँ के माइनॉरिटीज से, यहाँ की वही बात घूम कर आ जाएगी। बिल्कुल होगा, मैं आप डरा रहे हैं, बिल्कुल होगा। वैसी साहब को क्या परेशानी है? क्यों? इस कानून से क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि रंजन ओम कश्यप का नाम एनआरसी में नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, आप तो बच जाएंगी। अब फिर आप वही, अरे मैं ना आपका आ रहा है ना मेरा आ रहा है, आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं, आप समझ नहीं रहे, आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं। सीएबी और एनआरसी को आपको एक साथ देखना जरूरी है मैडम। गवर्नमेंट कह चुकी है, गवर्नमेंट कह चुकी है, क्यों नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट? पहले एनआरसी करना था मुल्क में, बाद में सीएबी करना था। आपका नाम तो है ना एनआरसी में, क्या आप एक सेकंड, कैसे मालूम? मैडम देखिए, भारत के 120 करोड़ लोगों को ये सरकार लाइन में खड़ा करने वाली है और सबको फॉरेनर्स बनाएगी और कई लॉ डॉक्यूमेंट्स बताओ, फिर डरा लॉ डॉक बिल्कुल होगा ये देखना। अगर जिस दिन होगा आप आज तक बुलाएंगे मुझे, आप जिस दिन होगा आज तक बुलाएंगे मुझे आप। सर आपका आधार कार्ड है या नहीं? अंजना जी किसका आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है? ठीक है, आपके पास अन्य दस्तावेज है ना? मैं तो कौन सा दस्तावेज होगा? अगर मेरे दादा जान का सर्टिफिकेट पूछेंगे कहां से लाऊंगा मैं?
कहां से लाऊंगा बताइए आप। मैं एक, एक, ये आप इस पर आप क्लैरिटी दीजिए क्योंकि फिर यहीं से डर और अफवाह फैलेगा। देखिए सिटीजनशिप वैसे वैसे जी आप जितना बोलते हैं उतना इनको फायदा होगा। मैं सिटीजनशिप के लिए जितना आप बोलते हैं उतना इनको फायदा होगा। मगर आप तो कांग्रेस की तरह बोल रहे हैं अभी। नहीं आप तो भी कांग्रेस की जबान बोल रहे हैं। बोलते हैं बीजेपी को फायदा होगा। इसका मतलब ये है कि आप राहुल गांधी को काबिल मानती हैं और मुझे उनसे ज्यादा काबिल मानती हैं। नहीं आपने तो सबका काम ही बंद कर दिया है। जिस तरह से आप विपक्ष की भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं देश में, आपका प्रतिद्वंदी भी आपका विरोधी भी आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप जिस तरह से तर्क और दलीलों के साथ संसद में मैं एक ही तो सवाल कर रहा हूं, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं एनआरसी अभी फाइनल नहीं है। क्या ये है उनका जवाब? अरे ये ऐसे मंत्री हैं कि आसाम में एनआरसी होगा उनको नहीं मालूम। ये जो कंफ्यूजन कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, कंफ्यूजन के साथ कॉन्स्पिरेसी जुड़ी हुई है इन सारे भाइयों की। अब आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा एनआरसी में सर जल्दी से पाकिस्तान का रिश्ता जोड़ दीजिए। नहीं आप पाकिस्तान मत जाइए, आपको कोई पाकिस्तान नहीं भेजेगा, फिक्र मत करिए, किसी मुसलमान को नहीं भेजेगा। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। एनआरसी आप भेजा भी नहीं सकते। एनआरसी देखिए, एनआरसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट है ही नहीं। 25 मार्च 1971 में इलेक्ट्रॉल रोल में उसका होना चाहिए नाम। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम 19 आसाम अकॉर्ड को मानते हैं, फिर आप 2014 क्यों रख रहे हैं? इसी तो कंफ्यूजन है। अभी आप क्यों रख रहे हैं? नहीं क्या रखा हुआ है मैं बता रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, कंफ्यूजन मत करिए। नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक और LIC दस्तावेज, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, एजुकेशनल प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें हैं। एक लंबी सूची है और इसलिए ये किसी भी भारतीय नागरिक के पास इनमें से कुछ ना हो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आपने बात कही कि कुछ लोग इसमें बाहर हुए, बाहर होने के बाद वो प्रोसेस चल रहा है, उनको सरकार मदद कर रही है कानूनी कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, हम उसको आपको इस NRC रजिस्टर में शामिल करेंगे। वो भी नहीं मिलता तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगी न्याय तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। कोई प्रोसेस क्यों गुमराह कर रहा है देश को आप? नहीं नहीं ये देखिए, अभी इतनी देर के बाद ये अपनी गलती को माने, ये आसाम के NRC के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बावजूद भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब 540,000 बंगाली हिंदू के नाम नहीं आए, आपने आ जाएंगे। ये अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। सुनिए अभी खत्म नहीं हुआ। सर मुझे एक बार बोलने दीजिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आपने बनाया है, आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से इसमें फायदा पहुंचेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे देश को तो आप बांट रहे हैं। आप ये बताइए, आप तो कानून नहीं पढ़ते, आप ये बताइए, पढ़ नहीं पढ़ते, आप इतने काबिल आदमी हैं। मैं काबिल हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, गलती बता रहा हूँ आपकी। आप एक्ट में डॉक्यूमेंट्स के जिक्र ही नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट हिंदुस्तानियों के लिए है या उन देश के तीन देशों के नागरिकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए? बताइए ना आप। अरे आप तो उसको हिंदुस्तान के लोगों के साथ जोड़ के देख रहे हैं, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए, पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए, प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए। साहब मुख्तार साहब प्लीज समझिए, आप इतने इग्नोरेंट मत बनिए, आप डरते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। डरने की जरूरत है ना, डराने की जरूरत है। आप डराना कम कर दीजिए देश के लोगों को। सर मैं आप डरते होंगे मोदी से, मैं बता रहा हूँ आपको सर। तो आप भी डरते हैं? नहीं सर, नहीं डरते, खुदा से डरते हैं सर, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं सर। मोदी खुदा नहीं है सर, कोई डरने की चीज नहीं, इंसान है, आज है कल चले जाएंगे। सर सुनिए एक बात बताइए, ये आप जो पढ़ रहे हैं आसाम का है, आपने एक्ट पास किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप आसाम में वो 540,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे और 500,000 आसाम के बंगाली मुसलमान को नहीं देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और जब पूरे मुल्क में NRC होगा तो जितने मुसलमान का नाम नहीं आएगा, मुझे तो CAB से फायदा नहीं होगा। यही तो आप कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं आपकी सरकार। आप ये बताइए ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी पेड़ पर जो चुड़िया बैठी होती है वो है क्या कि कोई हिला देगा और उड़ करके वो भाग जाएगा किसी समुंदर में या किसी जगह पे?
ہندوستان کا اتنی بڑی تعداد میں جو مسلمان ہے، اس ملک کے ترقی میں، اس ملک کے نرماڑ میں، اس ملک کے پروگریس میں، اس ملک کی آزادی میں اتنا ہی یوگدان ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ اس لیے ایک بات سمجھ لیجیے، مودی جی نے جب بات کہی کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، سوال کرنے دیجیے ان سے، ایک سوال کرنے دیجیے، فخر الدین علی احمد کون تھے؟ پاکستانی تھے، تیمورا محمود پاکستانی تھے، فخر الدین علی احمد کے فیملی ممبرز کا نام آسام کے نارسی میں نہیں آیا، آسام کی چیف منسٹر تیمورا کی فیملی کا نام نہیں آیا، جو کارگل کی چوٹیوں پر جا کر ملک کے لیے لڑا اس کا نام نہیں آیا، کیونکہ مسلمان تھے وہ۔ انجنا جی، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں ویسی صاحب کو، یا سمجھ کر کے وہ نہ سمجھ بن رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسم میں این آر سی کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، نمبر ون۔ جو نام چھٹ گئے ایرر کی وجہ سے، ان کو شامل کرنے کے پروسیس ابھی بھی چل رہے ہیں۔ ایک سوال ہے میرا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ سوئی وہیں اٹک رہی ہے، بار بار یہ سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں این آر سی ابھی فائنل نہیں ہے۔ میرا سوال آگے بڑھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سرکار ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری اور جواب دہی ہے کہ ایسی افواہوں کو روکا جائے۔ آج چھاتر الگ الگ یونیورسٹیز کے سڑکوں پر کیوں ہیں؟ کیوں آپ ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں اور اویسی جی کی بات کو وہ سچ مان رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں۔ جو مس انفارمیشن کمپین ہوتی ہے وہ بہت تیز پھیلتی ہے، افواہیں بہت تیز پھیلتی ہیں، اور انفارمیشن کمپین جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے مس انفارمیشن کمپین اس پر۔ آج ہوا یہی ہے، ابھی آپ سنیے، آپ ویسے آپ نہیں، اسہائے کوئی نہیں ہے، مودی جی اسہائے ہو ہی نہیں سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ایک بات جو ابھی اتنی دیر میں اگر آپ لب و لباب دیکھیں تو اویسی صاحب پورے دیش کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ تمہاری سدستا گئی، اب تمہیں جو ہے وہ باہر ہندوستان سے بھگانے کی ویوستھا ہو رہی ہے، اب یہ ہونے والا 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 ہے۔ جو کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے تم سرکشت ہو، یہ کہہ رہا ہے تم اسرکشت ہو۔ یہ مس انفارمیشن کمپین ہے، اور اسی افواہ سے امن کو اغوا کرنے کی کوشش ہے، انہی افواہوں سے امن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے نا، یہ آپ خامخواہ بلا کر پروگرام خراب کر رہے ہیں، کسی اور کو بلاتے بی جے پی سے آپ۔ آپ مجھے بتائیے نا سر، جو سٹیزن ہیں مسلمز اس کنٹری کے، ان کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں ان کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ کیوں بچوں میں یہ بھے پیدا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہ ایک کروڑ ہندوستانیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، پورے 100 کروڑ ہندوستانیوں کو لائن میں کھڑے ہو کر ڈاکومنٹس دینا پڑے گا، اپنے آپ کو سٹیزن شپ دکھانا پڑے گا۔ یہی این آر سی ہے جو آسام میں ہوا تھا، اور آسام میں ایک رول بتاتا ہوں آپ کو، اوریجنل انہیبیٹنٹ۔ اور امیت شاہ نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا، آپ دوبارہ پلے کریے، کہ جو مول واسی اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 کروڑ اوریجنل انہیبیٹنٹ کو آسام میں رولز کے تحت رجسٹرار نے وداؤٹ ویریفیکیشن اینڈ ڈاکومنٹ نام انکلوڈ کیا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 540,000 بنگالی ہندو کا نام نہیں آیا، ان کو اب ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، ان پر جو کیس چل رہا ہے وہ نہیں چلے گا، ان کو آٹومیٹیکلی بھارت کی سٹیزن شپ مل جائے گی۔ اور جو مسلمان کا نام نہیں آیا اس کو لڑتے رہنا پڑے گا، جب پورے ملک میں این آر سی ہوگا اس کے بعد تو یہی ہوگا نا، نان مسلم کو تو ایک جادو کی چھڑی مل گئی سی اے بی، اور مسلمان ڈیٹینشن سینٹرز میں رہے گا، مجھے برسوں کھڑے رہنا پڑے گا۔ یہ سازش ان کی ہے، یہ ملک میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس نہیں بلکہ سٹیٹ لیس بنانا چاہتے ہیں، ایتھنک کلنسنگ ہوگی اس ملک میں۔ 370 پر بھی آپ ایسے کراتے ہیں، 370 جب دھارا ہٹائی، میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا 370 میں، میں نے کہا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اگر آپ 370 کی بات کر رہی ہیں نا، چلیے مجھے کشمیر جانے کی اجازت دیجیے، مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیں گے۔ ابھی بیٹھ کر سن رہا تھا قوالی کو، منتری صاحب کی بڑے بڑے باتیں کر رہے کہ باغوں میں بہار ہے، پھول کھل رہے ہیں، اگر میں ایئرپورٹ پہ اتروں تو مجھے بھیجا دیں گے واپس۔ کیا کانسٹیٹیوشن نہیں پھیلتا میڈم؟ فنڈامنٹل رائٹ تو اب تو کشمیر میں لاگو ہوگا نا، فنڈامنٹل رائٹ تو کشمیر میں لاگو ہوگا۔ آپ بھی چاہتی ہیں کہ میں جا کر موڈی کی تعریف کروں؟ کیا میں موڈی کے خلاف نہیں بول سکتا کشمیر میں؟ ایئرپورٹ سے مجھے واپس کر دیں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی بڑی سازش ہے، اور اسی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، یہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ جو کام ہمارے آزادی کے مجاہدین نے نہیں کیا وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا غم اس بات کا ہے کہ میں نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ریجیکٹ کیا،
اور میں نے اس دلی کی جامع مسجد کے پاس مولانا آزاد کی ان تقریر کے جملوں کو سنا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو, اور آپ مجھے ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قانون اس طرح بنائیں گے. مجھے غم اس بات کا ہرگز کبھی نہیں لگا کہ پاکستان سے مسلمان نہیں آئے گا. مجھے غم اور تکلیف اس بات کی ہے کہ میں مسلمان ہونا جرم ہے اس ملک میں, کہ آپ قانون میں نہیں ڈال سکتے مت لیجئے کسی مسلمان کو, مگر آپ بنا رہے ہیں قانون مذہب کی بنیاد پر. دیکھیے نقوی جی کو تو مسلم ہونا گناہ نہیں لگتا. میں اویسی بھائی, اویسی جی کو ہی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ میں سمویدھان کو جانتا ہوں, پڑھتا ہوں اور تکلیف کو محسوس کرتا ہوں. اس لیے کہ آسام میں جب فخر الدین علی احمد اور تیمورا کے چیف منسٹر کے خاندان کا نام نہیں آیا, وہ سپاہی جو کارگل کی چوٹیوں پر اپنی جان کو قربان کر رہا تھا اس کے فیملی کا نام نہیں آیا, اس لیے کہ مسلمان ہے. اویسی صاحب, آپ کو بار بار ہندوؤں سے کیوں نفرت ہے میں نہیں جانتا, لیکن میں ایک چیز, میں میری بات پوری ہونے دیجیے. آپ یہ بتائیے, جب بٹوارا ہوا تو دو ملک بٹے بنے, ایک بنا پاکستان جہاں مسلمان بہت سنکھیک میں ہیں, اس نے جو ہے اپنے دیش کو اسلامک دیش گھوشت کر دیا. ایک بنا ہندوستان جہاں کے ہندو میجارٹی میں تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم پنت نرپیش دیش ہوں گے, ہم سیکولر دیش ہوں گے. انہوں نے دھرم کا چولا, آپ ہندو راج بار بار بولتے, کوئی یہاں کے ہندوؤں نے اس دیش کو سیکولر اور دھرم نرپیش بنایا ہے, ہم نے آپ نے نہیں بنایا ہے, کوئی مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے. مسلمان ہوتے تو یہ اسلامک دیش ہو جاتا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان نے اسلامک دیش اپنا جھنڈا لہرایا, ہم نے سیکولرزم کا جھنڈا لہرایا, اور ہندوستان کے ہندوؤں کے ڈی این اے میں سیکولرزم بھی ہے, سہیشورتا بھی ہے, تبھی یہ دیش آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. نہیں ہے نقوی صاحب, یہ دیش سیکولر اس لیے ہے کیونکہ سمویدھان سیکولر ہے. یہ دیش سیکولر اس لیے نہیں ہے, ایک بات سنیے, میں آپ کو ڈسٹرب کو اپنایا ہے. نہیں, یہ دیش سیکولر اس لیے ہے کیونکہ ہم نے سمویدھان کو سیکولر بنایا ہے. یہ دیش سیکولر اس لیے نہیں ہے یا ہے کیونکہ ہندو چاہتے ہیں, نہیں ہے سر. سمویدھان سیکولر ہے تب سیکولر ہے. سیکولر پاکستان میں مجارٹی چاہتی تو اسلامک جھنڈا بنا دیا. یہاں کے مجارٹی پاکستان میں بھارت کا سمویدھان نہیں ہے. پاکستان کی, آپ ہندوستان کی توہین کر رہے ہیں پاکستان سے ملا کر. یہ سمویدھان سیکولر ہے, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سمویدھان کو ملانا پڑے گا, مذہب کے نام پر ملک کو بانٹ رہے ہیں. جب بٹوارے کی بات آئے گی تو ہمیں ملانا ہی پڑے گا پاکستان اور ہندو. آپ بٹوارے کے اتہاس کی سچائی کو بھولا نہیں جا سکتا. دے رہے ہیں تو کیا موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش کے ہندو سامپردائک ہو گئے ہیں؟ جب نقوی جی کی بات پر آپ سر ہلا کر منع کرتے ہیں, یہ دیش سیکولر, آپ ہندوؤں پر یہ آروپ لگا رہے ہیں. یہ دیش سیکولر اس لیے ہے کیونکہ سمویدھان سیکولر ہے, کسی ہندو مسلمان کی وجہ سے نہیں ہے سیکولر. یہ دیش سیکولر اس لیے کہ سمویدھان جو ہم نے دیا, جو ہمارے بزرگوں نے بنایا, وہ سیکولر سمویدھان بنایا. لیکن اسی سمویدھان کو سروپری مانتے ہو. میم پلیز, آئی ریکویسٹ یو ٹو سٹ ڈاؤن پلیز. میم ویل کم ٹو یو, تھینک یو. اسی سمویدھان کو سروپری مانتے ہوئے دیش کی سروچ عدالت جب رام مندر پر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو آپ اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سر جواب دوں, سنیں گے آپ؟ تبھی پوچھا ہے. اللہ بول میں اگر آپ ایک پروگرام کر لیجئے سابری مالا کے اوپر, امیت شاہ ہے, انیکوں کیا ہے, کیا ہو سابری, آج بھی مانتی ہوں کہ سابری مالا میں لڑکیوں کے جانے کا ادھیکار ہے. اب آپ بی جے پی کے سپوکس پرسن بن جا رہی ہیں. سنیے ذرا, سنیے, دیکھیں, نہیں سنیے, سنیے سنیے, میں بولنے دیجئے, بولنے, یہ غلط ہے ویسے جی. سابری مالا کا ججمنٹ سوال پسند نہ ہے تو سابری, نہیں, مجھے آپ کے ہر سوال پسند ہے, مجھے آپ پسند ہیں. سابری مالا کا جب ججمنٹ آیا تو ریویو ہوا اس کا, اس پر کوئی غصہ نہیں آیا کسی کو؟ ریویو ہوا نا, اب ریویو کا ریویو ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ میں, کوئی کسی کو غصہ نہیں آتا. ایس سی ایس ٹی ایکٹ کا ججمنٹ آیا, اس کا ریویو ہوا, کسی کو غصہ نہیں آیا. ریویو اس لیے ہم نے کیا کیونکہ وہ پروویژن ہے, لا میں ہے پروویژن, اور ہم نے اس کا ریویو کیا. اس میں تکلیف کس بات کی ہے بتائیے, تکلیف کس بات کی؟ عدالت کو تو مانیں گے نا. ارے ہم نے, میں نے کیا کہا, جسٹس جے ایس ورما نے کہا تھا, اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل, یہ جی ایس ورما نے کہا تھا. اور جی ایس ورما کی تعریف سن لیجئے جو ہندوتوا کا ججمنٹ لکھے. اس پر آپ کا جواب دیکھیے کیا ہے. ویسے ایک ہی پروگرام میں آپ نے کانگریس کا پروکتا, بی جے پی کا پروکتا, سب بتا. نہیں نہیں, آپ کس کے بھی نہیں ہے, ریٹوریکلی بولا ہوں. دیکھیے اویسی صاحب نے تو قسم کھائی ہے کہ جو ماننا ہے, جو کہنا ہے وہی کہیں گے, جو افواہ پھیلانا ہے وہی پھیلائیں گے, دیش میں سد بھاؤ اور بھائی چارے کی بات نہیں کریں گے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ وقت بہت ہی نازک ہے, ہم پر حملے در حملے ہیں, دشمن کا درد یہی تو ہے, ہر حملے پر سنبھلے ہیں.
तो जितने भी हमले इन्होंने किए हैं मोदी जी पर, हर हमले पर जनता ने उनको संभाला है, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। और ये जो नागरिकता का बिल है, एनआरसी बिल है, सुन लीजिए, मैं आपको एक जिम्मेदार के नाते कह रहा हूँ, एक सरकार के मिनिस्टर के नाते कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता पर कोई सवाल कभी खड़ा नहीं होगा। जिनकी पुश्तें यहाँ रह रही हैं, जितना भी ओवैसी साहब गुमराह करें, जितना भी कांग्रेस पार्टी गुमराह करे, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए कि इस देश का बहुसंख्यक आपका निगहबान है, आपका संरक्षक है, आपकी नागरिक और आपकी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है और करता रहेगा। इनके पास एक मुसलमान एमपी जीतता नहीं है लोकसभा से, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद तो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़े, ना पार्टी लड़ाई, ना जीतते हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं जीत के भी आया हूं। नहीं, अभी क्या हुआ? आपके वालिद साहब के साथ था मैं। सर 2014 में क्या हुआ, आप हार गए 2014 में? हार गया 19 कोई बात नहीं, हारना जीतना, मैं 5 चुनाव लड़ा, हारा जीता। आप सुन तो लीजिए ना, इतनी बेचैनी आपकी जैसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है मेरे पास। सर सर इतना पेट में दर्द क्यों होता है जब सच्चाई बोलते हैं? सुन लीजिए, आप मिनिस्टर हैं, इतना आप थोड़ा सुन लीजिए। आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा का, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़े देख कर बोला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि खबरस्तान, रमजान, शमशान, ये जबान किसने इस्तेमाल की? सर आप पावर में, मैं पावर में नहीं हूँ, आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं आप खुद बताइए ना। ओवैसी जी, लेकिन आप भी लगता है कि आईने के प्रतिबिंब इनके बन गए हैं, आप मुस्लिमों के नेता बन के रह गए। ये सवाल मैं बार बार करती हूँ, आप बार बार मैं बार बार आपको हमेशा बोलता रहूंगा कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाह रहा हूँ। हैदराबाद के सांसद हैं, जब उस बेटी के साथ ऐसा विभत्स घटना घटी, तब हमने असदुद्दीन ओवैसी को इतना प्रखर क्यों नहीं देखा? उस दिन मैं लगातार आपके ट्विटर अकाउंट पर आपकी बाइट का इंतजार करती रही। आपने अनफॉर्चुनेटली आपने ये नहीं देखा कि मेरे वहां के एमएलए के कैंडिडेट रहमत बेग जाकर उस घर में बैठकर उस खानदान से, उनके वालिद और वालदा से मुलाकात की। हमें तो वैसी जी की आवाज बुलंद लगती है। सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, मैं तो आपकी आवाज का इंतजार था। और मैंने उसके खिलाफ बोला है, और मैंने ये भी कहा है कि एनकाउंटर को मैं नहीं मानता, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि एनकाउंटर जो है वो रिवेंज है, जस्टिस नहीं है। उन्हें एक स्पीच में कहा।